तो अगर आप ऑनलाइन सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो तो अभी हमारा देसी कंज्यूमर डील्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली प्राइस ड्रॉप डील्स देखने को मिलेगी। पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं देसी कंज्यूमर डील। इस वीडियो में हम एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं Realme Tech Life Buds T100। इसको मैं पिछले 15 दिन से यूज कर रहा हूं, अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि आप एंड में एक डिसीजन ले पाए कि ये वाले TWS आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहले बात करें इसके प्राइस की, ये आपको रेगुलर डेज में 1500 रुपीज का मिल जाएगा और सेल के टाइम पर आपको 1200-1300 रुपए का मिल जाएगा। मैंने इसे अमेजोन से 1300 रुपीज का खरीदा है। मैं इसको 1500 रुपए के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से जज करूंगा क्या इस प्राइस रेंज में अच्छे हैं या नहीं। तो फटाफट से रिव्यू करते हैं स्टार्ट। तो मैं इसे ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं मैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले एक व्हाइट कलर का चार्जिंग केस देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल दी गई है, जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा एयर मफ्स दिए गए हैं लार्ज और स्मॉल साइज के, और लास्ट में एक हमें एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है जिसमें काफी डिटेल में बताया गया है। तो यहां पर फटाफट से बात कर लेते हैं सबसे पहले चार्जिंग केस की। तो व्हाइट कलर का चार्जिंग केस है, इसमें एक और कलर भी अवेलेबल है, ब्लैक और येलो इसके कॉम्बिनेशन में आता है। तो इस वाले चार्जिंग केस की बात करें तो एकदम कॉम्पैक्ट से छोटे से साइज का हमें देखने को मिलता है, काफी हैंडी है। आप देख सकते हैं इसका जो टोटल वेट है विद TWS 42 ग्राम्स है, तो मैं इसे लाइट वेट कह सकता हूं। बाकी इसका जो मटेरियल हमें ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है, जो कि इसको एक प्रीमियम फील दे रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, स्क्रेचेस काफी जल्दी आएंगे इस पे, हल्के फुल्के स्क्रेचेस आ भी गए जब से मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो थोड़ी सी प्रीमियमनेस के लिए थोड़े से स्क्रेचेस तो सहने पड़ते हैं। बाकी चार्जिंग केस के आगे की तरफ जो है Realme Tech Life की ब्रांडिंग दी गई है, उसी के नीचे हमें एक LED इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। सबसे नीचे हमें एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, पीछे से एकदम प्लेन रखा गया है। बिल्ड की बात करें तो यहां पर इसे ओपन करने पर जो हिंज है वो भी एकदम स्टेबल देखने को मिलता है, लूज नहीं है बिल्कुल भी, और इसे बंद करने पर जो क्लिक की साउंड होती है वो भी एक प्रीमियम फील देती है। तो देखिए एक बार यहाँ पर जो चार्जिंग केस की मैग्नेट है वो भी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगी, TWS को काफी अच्छे से होल्ड करती है, तो इजीली बाहर नहीं निकल रही है। बाकी यहाँ पर TWS को निकालना काफी हैंडी है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। तो ओवरऑल चार्जिंग केस की बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी दी गई है। यहाँ पर अब बात करिए ईयरबड्स की, तो फुल इन ईयर डिजाइन में देखने को मिलते हैं और साथ ही में स्टेम भी दी गई है। तो पर्सनली ये वाला डिजाइन मुझे काफी सही लगता है, और इनका जो वेट है 4 ग्राम ईच है, तो लाइट वेट भी मैं कह सकता हूं। मटेरियल की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लास्टिक यूज किया गया है, जो कि TWS को एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर जो एयर मफ्स की रबड़ है वो भी मुझे काफी सॉफ्ट लगी, और स्पीकर ग्रिल भी हमें मेटल की देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। फंक्शंस की बात करें तो दोनों TWS पर नीचे की साइड पर एक एक माइक दिया गया है, और साथ ही में टच कंट्रोल के साथ में आता है। तो स्टेम के एकदम ऊपर की साइड पर इसके टच सेंसर दिए गए हैं। ऑपरेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोनों साइड के डबल टैप पर आप सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं, या फिर कॉल को कट या रिसीव कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के ट्रिपल टैप पर आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, राइट साइड के ट्रिपल टैप पर आप प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, लेफ्ट साइड के लॉन्ग टैप पर आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं, राइट साइड के लॉन्ग टैप पर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल का भी फीचर दिया गया है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी इनके जितने भी टच कंट्रोल फंक्शंस हैं वो आप Realme Link ऐप के थ्रू रीसेट भी कर सकते हैं, लाइक गेमिंग मोड आपको वहां से ही ऑन करना होगा। ये चीज भी मुझे काफी सही लगी, आप Realme Link ऐप के थ्रू इसके टच कंट्रोल्स में चेंजेस कर सकते हैं। और भी चीजें हैं उस ऐप में, आगे मैं आपको बताता हूं। बाकी मुझे इसके टच कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। बाकी जो ईयरबड्स है IPX5 रेटिंग के साथ में आता है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे या फिर पसीना वगैरह लग गया जिम में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की, तो 5.3 ब्लूटूथ वर्जन के साथ में आते हैं। तो कनेक्टिविटी मुझे इसकी एकदम सही लगी, 3-4 फोन से अभी तक मैं इसको कनेक्ट कर चुका हूं, एकदम स्मूथली कनेक्ट होते हैं, और साथ ही में इसमें फास्ट पेयरिंग भी देखने को मिलती है। तो चार्जिंग केस को ओपन करते ही 5 सेकंड के अंदर अंदर में कनेक्ट हो जाता है, जो कि काफी फास्ट है, और 10 मीटर की रेंज में एकदम फाइन वर्क करता है। इसकी ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करते हैं। तो यहां पर अब बात करें इसकी फिटिंग की, तो सबसे पहली चीज, फिटिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को अच्छी फिटिंग आएगी किसी को अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूं। नॉर्मली फुल इन ईयर डिजाइन वाले TWS की फिटिंग मुझे अच्छी नहीं आती है, क्योंकि कई बार उनका जो हाउसिंग का साइज है ना काफी बड़ा होता है इस वजह से। लेकिन इसकी जो ईयरफोन है इसकी हाउसिंग का साइज एकदम प्रॉपर दिया गया है, जिस वजह से मुझे इसकी फिटिंग काफी अच्छी आई। तो इजिली मेरे कानों से लूज नहीं होती है, चाहे इसको लगाकर मैं कुछ खा रहा हूं, बोल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, साइकिलिंग कर रहा हूं, सारी एक्टिविटी में
कर चुका हूं, तो अच्छी फिटिंग देखने को मिली। लेकिन हर आधे घंटे बाद ना, ज्यादा कोई भाग दौड़ वाली एक्टिविटी में ये हल्के फुल्के लूज हो जाता है, तो हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करना पड़ता है। बहुत ही इतना फील नहीं होता कि कानों से निकल के गिरेंगे, ये चीज मुझे देखने को मिली। बाकी मैं इसको 3 घंटे तक आराम से कानों में लगाए रख सकता हूँ, कोई डिस्कम्फर्ट या पेन फील नहीं होता है, तो फिटिंग के मामले में मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें हमें 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें बेस की, बेस इसमें काफी अच्छा थंपिंग बेस दिया गया है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन जितना भी बेस है बहुत ही मजेदार है, मजा आया इसका बेस सुन के। बेस के मामले में इसको रेटिंग दूंगा 8 out of 10। वोकल्स एकदम क्लियर समझ में आते हैं, चाहे आप सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं। ट्रेबल्स मुझे इसके हल्के से हाई लगे, थोड़ा सा नॉइजी फील देते हैं, लेकिन काम चल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लाउडनेस भी काफी सही दिए गए और क्लेरिटी भी अच्छी है, तो साउंड क्वालिटी में इसको ओवरऑल रेटिंग दूंगा 8 out of 10। साउंड क्वालिटी के मामले में मुझे ये काफी अच्छी लगी। बाकी यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी को लेकर एक और चीज, इसकी जो साउंड क्वालिटी को आप मैनेज कर सकते हैं रियलमी लिंक ऐप के थ्रू। अगर आप बेस ज्यादा सुनना चाहते हैं, बेस कम सुनना चाहते हैं, तो ये सब चेंजेस आप रियलमी लिंक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और रियलमी लिंक ऐप में आपको चार्जिंग केस में और TWS में कितनी परसेंटेज बैटरी है, वो सब चीजें भी आपको रियलमी लिंक ऐप में शो हो जाएंगी, तो वो काफी अच्छा फीचर दिया गया इस ईयरबड्स का। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करें कॉलिंग की, तो इसमें हमें AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। पहले एक बार आप बाहर का नॉइस सुनिए, यहाँ पर पीछे ट्रैफिक है, थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा है, हॉर्न वगैरह का नॉइज है। अब यहाँ पर जो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और ये जो ईयरफोन है मेरे फोन से जो कनेक्टेड है, फोन मुझसे दूर रखा है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कैसे इसकी माइक की क्वालिटी सुनने को। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कॉलिंग के लिए लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। बाकी मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताता हूँ, मुझे पर्सनली कॉलिंग के लिए अच्छे लगे। नॉर्मल अगर आप कॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हैं। बाहर का नॉइज आपने देखा, इसके थ्रू काफी हद तक दब गया, नहीं सुनाई दे रहा था, तो कॉलिंग के लिए डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। तो यहाँ पर अब बात करें गेमिंग की, तो इसके अंदर में 88 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, फिर हम बात करते हैं। तो इसकी जो लो लेटेंसी एकदम सही देखने को मिलती है, तो आप इसे गेमिंग के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब बात करें बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस 400mAh की बैटरी के साथ में आता है, और दोनों TWS 40-40mAh की बैटरी के साथ में आता है। चार्जिंग केस 2 hours का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, और TWS 1 घंटे का टाइम लेती है फुल चार्ज होने में। और TWS के फुल चार्ज होने के बाद फुल वॉल्यूम पर अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको 5.5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और इन TWS को आप एक्स्ट्रा 3 बार और चार्ज कर सकते हैं, मतलब टोटल 4 बार आप चार्ज कर सकते हैं इस चार्जिंग केस से। तो ओवरऑल जो प्लेबैक टाइम हो जाता है फुल वॉल्यूम पर 22 घंटे का। अगर आप कम वॉल्यूम पर सुनते हैं तो वो प्लेबैक टाइम 25-26 घंटे तक चला जाएगा। कंपनी क्लेम करती है 28 घंटे का, उस हिसाब से काफी अच्छा प्लेबैक टाइम दिया गया है। तो ये था डिटेल रिव्यू Realme Tech Life Buds T100 का। अब यहाँ पर थोड़े से शब्दों में बात करें इन TWS को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो 1500 रुपए की रेंज में जो हमें बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, फीचर्स मिल रहे हैं, साउंड क्वालिटी मिल रही है, गेमिंग मोड मिल रहा है, फिटिंग अच्छी मिल रही है, कॉलिंग के लिए भी अच्छे हैं, बैटरी प्लेबैक टाइम भी अच्छा है, अगर मुझे पर्सनली अपने लिए इसे खरीदना हो, मतलब इसे यूज करने के लिए पर्सनली, तो डेफिनेटली मैं इसको खरीदूंगा। वैसे मैंने इसे रिव्यू के लिए खरीदा था, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा 1500 रुपए में। तो यहां पर आप करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसी ही वीडियो आपको और भी देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।